मिरज येथील जवाहर हायस्कूल येथे सिनियर सिटीजन फोरम आणि नायकवडी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट मिरज यांच्या वतीनं उर्दू शिक्षक संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनाचं उद्घाटन सांगली मीडिया कम्युनिकेशन सिरीजचे संचालक नुरुल अमीन भोकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. उर्दू भाषेला चांगला दर्जा मिळावा आणि उर्दू शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा या हेतूनं मिरज येथील जवाहर हायस्कूल येथे सिनियर सिटीजन फोरम आणि नायकवडी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट मिरज यांच्या वतीनं उर्दू शिक्षक संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनाचं उद्घाटन सांगली मीडिया कम्युनिकेशन सिनियरचे संचालक नुरुल अमीन भोकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी तौहीद मुजावर आणि प्रशांत डोबरीवाल यांनी उर्दू शिक्षण पद्धती आणि उर्दू भाषेचा दर्जा वाढवण्याबाबत मार्गदर्शन केलं. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष माजी महापौर इद्रिस नायकोडी हे उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं संयोजन सिनियर सिटीजन फोरमचे अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम मुश्रीफ, पगौस शरीक मसलत, बापू खतीब यांच्यासह सदस्यांनी केलं. यावेळी अनेक उर्दू शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा सत्कार करण्यात आला. उर्दू मीडियम का बढ़ाने की कोशिश की जाए. हालांकि आप तमाम लोग बड़े ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि आज कंपटीशन के दौर में आपके उर्दू मीडियम के कंपटीशन के साथ दूसरे मीडियम भी सामने खड़े हैं. और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माशरे की ये टेंडेंसी, मानसिकता जैसे कहेंगे हम, वो कुछ बदल रही है और बदल रही है, यहाँ तक बदल रही है कि हमारा मीडियम अब खतरे में आ गया है. इस बात को हमें अपने दीदी दौर से तस्लीम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आते वक्त में अंग्रेजी मीडियम का होना ज़रूरी है, अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है बच्चों के लिए, अंग्रेजी में उनकी स्पीच और उनका जो कुछ रहन सहन है आने वाले कॉम्पिटिशन में अगर उनको फेस करना है तो उसके लिए उनके साथ अंग्रेजी का जुड़ाव होना बहुत ही ज़रूरी है.